और मुझे पता है थोड़ा ऑफ द टॉपिक है, पर इस भागदौड़ भरी जिंदगी में और झूठी सोशल मीडिया लाइफ में हम इतने बिजी हो गए हैं कि हमारे पीठ पीछे दुनिया के सारे मर्दों को एक साथ खत्म करने की प्लानिंग बनाई जा रही है और हमें पता ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आने वाले कुछ हजार सालों के अंदर इस दुनिया के सारे मेल और फीमेल में से सिर्फ फीमेल ही जिंदा रहने वाली है। अब ये बात सुनकर लड़कियों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिना लड़कों के रिप्रोडक्शन होगा नहीं और सारी इंसानी प्रजाति खत्म हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं इस टॉपिक को टेक चैनल के ऊपर क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इस खबर के पीछे बहुत सारे टेक्निकल बातें हैं जो मुझे चिंता में डाल रही है। देखो, आप सभी लोगों ने पिछले कुछ दिनों से कई आर्टिकल्स ऐसे देखे होंगे कि आने वाले कुछ सालों के अंदर वाई क्रोमोसोम बिल्कुल विलुप्त होने जा रहा है। पर वाई क्रोमोसोम ही नहीं रहेगा तो लड़के पैदा ही नहीं होंगे, और लड़के पैदा नहीं होंगे तो इंसानी आबादी भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये हो ही क्यों रहा है, हमारे वाई क्रोमोसोम के साथ ऐसा क्या गलत हुआ है कि ये विलुप्त हो जाएगा। यूएस साइंटिस्ट की ये नई खोज क्या सच में सच साबित हो जाएगी, सब कुछ एकदम सिंपल भाषा में इस वीडियो में समझेंगे। पर सबसे पहले लड़का या लड़की मैन्युफैक्चरिंग करने की प्रोसेस समझ लो। माफ करिए मैन्युफैक्चरिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ, पर हमारा चैनल टेक्निकल है और यहाँ पे सारे दर्शक भी टेकी है, तो वो सारे लोग थोड़ी टेकी भाषा समझते हैं, इसलिए थोड़ी टेक्नोलॉजिकल भाषा में ही यहाँ पे बात होगी। तो हम थे मैन्युफैक्चरिंग पर। देखिए, हम इंसानों के पास दो क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, और ये दोनों क्रोमोसोम कभी भी अकेले नहीं रहते। जी हाँ, ये हमेशा जोड़ी में ही रहते हैं, और ये क्रोमोसोम कभी भी अकेले नहीं रहते। जी हाँ, एक्स क्रोमोसोम एक्स के साथ रहेगा एक्स एक्स, और वाई क्रोमोसोम वाई के साथ नहीं एक्स के साथ रहेगा एक्स वाई। जी हाँ, वाई क्रोमोसोम कभी भी वाई क्रोमोसोम के साथ जोड़ी नहीं बनाता है। अब लड़कों में एक्स वाई और लड़कियों में एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जब कभी भी नई जिंदगी जन्म लेती है तो इन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर उनका जेंडर फाइनलाइज होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर लड़के के तरफ से वाई क्रोमोसोम गया तो होने वाला बच्चा बॉय पैदा होगा, और एक्स क्रोमोसोम गया तो होने वाला बच्चा गर्ल पैदा होगी। ये सिंपल नेचुरल प्रोसेस है। अब हम इंसान इस पृथ्वी पे कई करोड़ों साल से रह रहे हैं, और ये क्रोमोसोम उन जनरेशन से आज की जनरेशन तक पास होते आ रहे हैं। मतलब हमारे पास जो जीन्स है वो उन पूर्वजों के हैं जो कभी जिंदा थे। अब ये क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे पास होते होते आज हम तक पहुंचे हैं। और इसी प्रोसेस में नेचर ने बहुत घिनौनी साजिश लड़कों के साथ रच दी है। वाई क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होने की वजह से कमजोर होता चला गया, जिसके वजह से आज का जो वाई क्रोमोसोम है वो ओरिजिनल वाई क्रोमोसोम से 97% डीएनए डाटा और जीन्स खो चुका है। मतलब हम लड़कों की आबादी सिर्फ 3% चांस पर जिंदा है, पर लड़कियों में इसका उल्टा होता गया, उनका एक्स क्रोमोसोम हर जनरेशन में और स्ट्रांग होता गया। तो आज का जो एक्स क्रोमोसोम है वो पुराने वाले एक्स क्रोमोसोम से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग और बेहतर है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों, तो इसके पीछे नेचर की बहुत कमाल की टेक्नोलॉजी काम करती है। याद करो, मैंने शुरुआत में कहा था कि ये क्रोमोसोम हमेशा जोड़ी में रहना पसंद करते हैं, एक्स एक्स और एक्स वाई। अब टेक्नोलॉजी समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक्स एक्स दो ऐसी बहनें हैं जो हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखती है और अपनी सारी चीजें एक दूसरे के साथ शेयर भी करती है, और एक्स वाई ऐसे झगड़ालू भाई बहन है जो एक दूसरे के साथ कुछ भी शेयर नहीं करते, और इसी की वजह से आज वाई क्रोमोसोम विलुप्त होने के कागार पर है। एक्स एक्स हमेशा अपना नॉलेज, जीन्स और डीएनए डाटा एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं, पर इसी के वजह से
एक्स क्रोमोसोम आज के डेट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया है और एक्स वाई क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ कोई भी नॉलेज जीन्स या फिर डीएनए डाटा शेयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वाई क्रोमोसोम अपने आप ही कमजोर होता चला गया और इसी कमजोरी की वजह से भविष्य में लड़के गम पैदा हो गए और धीरे धीरे लड़के पैदा होना ही बंद हो जाएंगे। अब इसका कोई इलाज है तो सिंपल सा आंसर है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। यूएस के साइंटिस्ट ने ये जो रिसर्च की है उसका रिजल्ट में यही बताया है कि इस प्रॉब्लम का अभी फिलहाल हम साइंटिस्ट के पास तो कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है और हम इस प्रॉब्लम में कुछ कर भी नहीं सकते। जो भी यहाँ पे करना है वो नेचर को ही करना है। तो देखते हैं दोस्तों भविष्य में क्या होता है। आपको क्या लगता है, अपने विचार नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहे है, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये बिल्कुल फ्री है। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।